सर सुपर फास्ट रिचार्ज में एयरटेल का 200 से ऊपर रिचार्ज नहीं हो रहा है। सर सुपर फास्ट रिचार्ज में गूगल प्ले स्टोर रिचार्ज करते टाइम अलग ऑपरेटर सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरीके का कई सवाल आप सभी लोग हम लोगों को डेली बेसिस पे करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे कि हम लोगों का ऐप सुपर फास्ट रिचार्ज का सर्विसेज आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं हम लोग इतना एडवांस सिस्टम उसमें लगाए हैं जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परेशानी कोई भी सर्विस को यूज करने पर नहीं आएगा, बशर्ते आपके पास कंप्लीट जानकारी रहना जरूरी है, तभी जाकर के आप अपना बिजनेस को स्मूथली लेकर के जा सकते हैं सुपर फास्ट रिचार्ज के जरिए। तो अगर आप भी एक सुपर फास्ट रिचार्ज कंपनी के यूजर हैं या फिर आईडी को लेना चाहते हैं या फिर आईडी ले चुके हैं सुपर फास्ट रिचार्ज का, तो आज के इस वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसेज को आपको कैसे यूज करना है। और अगर आप सुपर फास्ट रिचार्ज को पहले से ही यूज कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली बेसिस पे जो सवाल आप हम लोगों को करते हैं वो सभी कुछ का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों का सर्विस को यूज करने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। और अगर आप आईडी लेना चाहते हैं सुपर फास्ट रिचार्ज की, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोगों को दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम लोग आईडी दे देंगे। एक बार सर्विस को हम लोगों का यूज करके देख सकते हैं हम लोग मार्केट में कैसा सर्विस आपको देते हैं। जितने सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं बता दूं मेरा नाम है समदिल। हम लोग इस टाइप के कॉन्टेंट आप तक लेके आते रहते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले सुपर फर्स्ट रिचार्ज ऐप हम लोगों की तरफ से आपको मिला होगा। सबसे पहले इसको आप ओपन कर लीजिए। आप अगर इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये जो 4 डिजिट पिन मैंने अभी एंटर किया इसको आपको सेट करने बोलेगा, तो आप अपना 4 डिजिट पिन को सेट कर लीजिए। अगर आप न्यू यूजर हैं, नए आईडी लिए हैं, तो आपको सबसे पहले केवाईसी कर लेना है। अब आपको केवाईसी कैसे करना है, सिंपली मोर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक केवाईसी का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर KYC का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिख करके आ रहा है क्योंकि मैंने KYC कर लिया है। आप जब क्लिक करेंगे न्यू यूजर तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फोटो अपलोड करने बोलेगा, तो सबसे पहले आप KYC कर लीजिए। जैसे ही KYC अप्रूव हो जाता है अब आप हम लोगों का सर्विस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप वॉलेट में पैसा कैसे ऐड करेंगे, ये जो देख रहे हैं मेरे वॉलेट में यहाँ पर 1700 के करीब बैलेंस है, ये बैलेंस को आपको ऐड करना होता है रिचार्ज करने के लिए और जो भी कमीशन आएगा वो आपके इसी वॉलेट में आता है। तो सबसे पहले आपको ऐड वॉलेट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए ऐड वॉलेट का ऑप्शन है, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है। मिनिमम वॉलेट लोड आप 300 रुपीज कर सकते हैं, 300 रुपीज से मिनिमम वॉलेट लोड स्टार्ट होता है। जितना भी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने वॉलेट में सिंपली यहाँ पर एंटर कीजिए और आपको ऐड मनी में क्लिक करना है। ऐड मनी में क्लिक करते ही आपको पेमेंट गेटवे की ओर लेकर के जाएगा। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए आपको पे वाया UPI का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितने भी UPI ऐप इंस्टॉल्ड रहेंगे उन सभी का लिस्ट नीचे दिखा दिया जाएगा। आप इनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट करके पेमेंट को सक्सेस करा सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो इंस्टेंटली आपके वॉलेट में ये बैलेंस आ जाता है। वॉलेट लोड हो जाने के बाद अब आप हम लोगों का सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर कमीशन लिस्ट देखना है तो आप हम लोगों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर खुद भी देख सकते हैं। सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और रिचार्ज कमीशन में क्लिक करना है। जितने सारे सर्विसेज हैं हम लोगों के पास सभी का कमीशन चैट आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से आप कमीशन देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, बता रहा हूँ हम लोग एडवांस सिस्टम लगाए हुए हैं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो सिंपली आप नीचे की ओर आइए, मोबाइल रिचार्ज में क्लिक कीजिए। मोबाइल रिचार्ज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे कई सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले एयरटेल का 3 ऑप्शन हम लोग रखे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए एयरटेल आर ऑफर, उसके बाद देखिए एयरटेल 1 से लेकर के 199 रुपीज के बीच में, उसके बाद देखिए एयरटेल 200 से लेकर के 5000 के बीच में। तो सबसे पहले आर ऑफर की बात करते हैं। जैसे ही आर ऑफर में क्लिक करेंगे तो मान लीजिए कोई एयरटेल नंबर में ऑफर दिया गया है कंपनी से, तो वो ऑफर अगर आप यहाँ से रिचार्ज करते हैं तो आपको ज्यादा कमीशन मिलता है, जिसका लिस्ट हम लोगों की तरफ से आपको मिला होगा या फिर कमीशन वाले सेक्शन में जाकर के देख भी सकते हैं। तो अगर आप ऑफर चेक करके रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, अन्यथा यहां से बाहर आ जाइए। अगर आप 1 से लेकर के 199 रुपीज के बीच में एयरटेल का सिम रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर वाला ऑप्शन से यहाँ से रिचार्ज करेंगे। अगर आप एयरटेल का 200 से लेकर के 5000 के बीच में रिचार्ज करना चाहते हैं, मतलब 200 से ऊपर रिचार्ज करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आर ऑफर में क्लिक करेंगे मान लीजिए आप इससे रिचार्ज करना चाहते हैं,
तो ध्यान रहे जो नंबर में ऑफर रहेगा उसी का ही रिचार्ज यहाँ से सक्सेस होगा। अगर यहाँ से सक्सेस नहीं होता है तो आप बाकी का दोनों ऑप्शन से सक्सेस करा सकते हैं रिचार्ज। जैसे ही मैं यहाँ पर एयरटेल का नंबर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया, 1 से लेकर 199 रुपीज के बीच में ऑलरेडी लेकर के आ गया। तो मुझे तो रिचार्ज करना था एयरटेल का आर ऑफर, तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पर देखिए चेंज ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे दोबारा एयरटेल का आर ऑफर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप 1 से लेकर 199 रुपीज के बीच में रिचार्ज करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एयरटेल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आते हैं, सबसे ज्यादा जो एरर लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, वो है एयरटेल का 200 से ऊपर रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एयरटेल का 200 से ऊपर रिचार्ज का ऑप्शन है, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है, उसके बाद एयरटेल का नंबर आप यहाँ से एंटर कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑपरेटर यहां से सेलेक्ट कर लेगा 1 से लेकर 199 के बीच में। तो अब यहां पर देखिए चेंज ऑपरेटर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देखिए जैसे ही चेंज ऑपरेटर में क्लिक करेंगे तो दोबारा 200 से लेकर 5000 के बीच में रिचार्ज वाला ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं 200 से ऊपर एयरटेल का। अगर आप BSNL रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, BSNL में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आप गूगल प्ले स्टोर रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको बता दूं, विद इन अ सेकंड हम लोगों का ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है, विद इन अ सेकंड। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर रिचार्ज में क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर नंबर आपको एंटर करना है। अब यहां पर ऑटोमेटिक ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेगा, तो यहां पर देखिए एयरटेल 1 से लेकर 199 के बीच में ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, या फिर आपका जियो भी सेलेक्ट कर सकता है, आपका यहां पर BSNL भी सेलेक्ट कर सकता है। मैं तो यहां पर रिचार्ज कर रहा हूं गूगल प्ले स्टोर, तो सिंपली आपको चेंज में क्लिक करना है, चेंज ऑपरेटर में। जैसे ही चेंज ऑपरेटर में क्लिक करेंगे तो दोबारा गूगल प्ले स्टोर यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। गूगल प्ले रिचार्ज करते टाइम ध्यान देना है, नंबर एंटर करने के बाद अगर आपका ऑपरेटर ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर चेंज में क्लिक करना है, उसके बाद जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ पर एंटर कीजिए, रिचार्ज में क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर रिचार्ज विद इन अ सेकेंड सक्सेस हो जाएगा और जो ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा वही रिडीम कोड रहेगा। उसके बाद यहाँ से जियो रिचार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप VI रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको बताते हैं DTH रिचार्ज में हम लोग क्या एडवांस सिस्टम लगाएं। सिंपली आपको DTH रिचार्ज में क्लिक करना है, जो भी ऑपरेटर आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कस्टमर का इन्फो भी चेक कर सकते हैं, DTH प्लान भी देख सकते हैं, यहाँ से हैवी रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, हम लोग इसमें भी और एक सिस्टम लगाए हुए हैं, जो भी DTH नंबर आप रिचार्ज करेंगे उसका यहाँ पर नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और जैसे ही आप चेक में क्लिक करेंगे जो भी ऑपरेटर रहेगा उसमें रिडायरेक्ट आपको कर देगा, उसके बाद DTH नंबर एंटर करना है, यहाँ से आप प्लेन देख करके रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर DTH वाले ऑप्शन चला गया। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्टपेड की, तो यहाँ से आप पोस्टपेड बिल दे सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल में आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के बाद कुछ देर लग सकता है आपको अपडेट करने में, तो जो कस्टमर आपके जो है नजदीक के हैं उनका ही आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं, उसके बाद बाकी का सर्विस आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई रिचार्ज हो जाता है यहां से सक्सेस, वैसे तो ऐसे होता नहीं है, अगर रिचार्ज यहां पर सक्सेस आपको दिखाता है और कस्टमर को नहीं जाता है तो सिंपली आपको मोर में क्लिक करना है, उसके बाद रिचार्ज रिपोर्ट में क्लिक करना है। रिचार्ज रिपोर्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे सभी रिचार्ज का लिस्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको, आपको जो भी रिचार्ज सक्सेस हुआ है और कस्टमर के पास नहीं गया है सिंपली आपको उसी में कंप्लेन में क्लिक करना है, उसके बाद यस में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर रीजन को एंटर करना है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए कि मेरा रिचार्ज सक्सेस है बट कस्टमर के पास नहीं गया है, लिखने के बाद सिंपली आपको सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये जो है कंप्लेन रेज हो जाता है और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका अगर सक्सेस नहीं होता है तो रिफंड हो जाता है। ये यहाँ पर आप रिचार्ज रिपोर्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर, इससे आप कर सकते हैं कंप्लेन। उसके बाद टुडे रिपोर्ट में आप यहाँ से आज का अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यही सब यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप कंप्लेन वगैरह अगर इशू है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप हम लोगों का पोर्टल को यूज कर सकते हैं, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया और अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आपको ये आईडी लेना है हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग ये आईडी आपको दे देंगे। बहुत ज़्यादा रिटेलर बोल रहे थे 200 से ऊपर रिचार्ज नहीं हो रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। अपने तरफ से ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।